नमस्कार आदाब सत श्री अकाल वड़कम हेलो मैं हूँ रिचा डिवाइन विजन आर्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड एंड होप यू डूइंग वेरी गुड टुडे एंड सेंडिंग योर ब्लेसिंग्स एंड हीलिंग्स ओके एंड यू कैन चेक आउट माय आर्टिकल यू कैन आस्क फॉर द लिंक आई मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इन द कमेंट सेक्शन अगर आप जानना चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने एवोल्यूशन के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो तो वो उसके लिए मेरे पास एक आर्टिकल है जिसमें मैं आपको बता सकती हूँ तो अब मुझे आपकी रिक्वेस्ट पर मैं आपको कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताऊँगी तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ओके तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो ये है हाउ वुड दे डिस्क्राइब यू यस ये आप वो कोई भी पर्सन हो सकते हैं ये आपके पर्सन हो सकते हैं आपका क्रश हो सकता है या कोई भी पर्सन आप जो आपके माइंड में है कि वो अगर आपको डिस्क्राइब करते तो वो कैसे डिस्क्राइब करते अगर वो आपके बारे में आपको डेफिनेशन देते तो वो कैसे बताते ठीक है तो हमारे पास यहाँ पे हैं 3 पाइल्स ये टाइमलेस रीडिंग है तो इसका मतलब कभी भी किसी भी ईयर आप किसी भी मंथ आप कभी भी इसको आके देखेंगे तो ये तब के लिए एप्लीकेबल होगी ठीक है तो हमारे पास यहाँ पे हैं 3 पाइल्स ठीक है पाइल नंबर 1 दिस मल्टी कलर नेल पेंट और सॉरी दिस मल्टी कलर क्लचर क्लिप ओके पाइल नंबर 2 दिस पर्पल क्लिप ओके आई एम वेरी सॉरी फॉर द नॉइज गाइज इट्स अर्ली इन द मॉर्निंग सो एंड दिस इज ग्रीन क्लिप ओके सो वी हैव 3 क्लिप्स ओवर हियर दिस मल्टी कलर क्लिप पाइल 1 एंड दिस पर्पल क्लिप पाइल 2 एंड दिस ग्रीन क्लिप पाइल 3 तो यू कैन पॉज द वीडियो टेक अ डीप ब्रेथ एंड फोकस ऑन द कार्ड्स मेडिटेट ऑन द कार्ड्स यू कैन आस्क द यूनिवर्स टू डायरेक्ट यू टुवर्ड्स द राइट पाइल राइट कार्ड्स ओके सो चलिए एंड आपने अगर फोकस कर लिया है तो मेडिटेट कर लिया है नहीं तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं एंड आई विल गेट स्टार्टेड ओके तो हमारे पास यहाँ पे है पाइल 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया था मल्टी कलर क्लिप देखते हैं कि हाउ वुड दे डिस्क्राइब यू आपकी माइंड में जो भी पर्सन है आपका चाहे वो आपका एक्स है आपका क्रश है आपका नेबर है कोई भी आपके माइंड में है आपका टीचर है आपका बॉस है आपका कलीग है कोवर्कर कोई भी है वो आपको कैसे डिस्क्राइब करेंगे जो भी पर्सन आपके माइंड में आपका रिलेटिव है आपका कज़न है कोई भी है तो वो हम बताएंगे कि आपको कैसे डिस्क्राइब करेंगे ठीक है चलिए हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्स देख सकते हैं आप क्वीन ऑफ वॉन्स फिर हमारे पास है सिक्स ऑफ कप्स देन वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड देन वी हैव हाई प्रीस्टेस तो पहली बात तो वो आपको ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि आपके अंदर बहुत ही स्पिरिचुअल नॉलेज है आप बहुत वाइज हैं आप सोच समझ के फैसले लेते हैं आप दिखने में भी चार्मिंग हैं आप अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है आपकी तो आपकी पर्सनालिटी की काफ़ी तारीफ़ें होती हैं और आप जिस तरह से खुद को कैरी करते हो आपके ऊपर शोक रंग बहुत शोभा देते हैं या आप जो भी कलर पहनते हो उसको बहुत ग्रेसफुली कैरी करते हो स्पेशली येलो रेड ग्रीन ब्लू ये कलर और वाइट ये कलर बहुत ज़्यादा उसमें आ रहे हैं और आप रिश्तों को बहुत अहमियत देते हो आपके लिए पैसों से ज़्यादा रिश्ते अहमियत रखते हैं लेकिन आपने वक्त के साथ सीखा कि पैसे भी बहुत आप समाज में पैसा प्रेस्टीज मायने रखता है ये आपने समय के साथ सीखा पहले इमोशनल थे तो लोगों को आपकी पावर का एहसास हो रहा है लोगों को एहसास हो रहा है कि आप अपनी पावर में आ रहे हो आप अपने करियर में अच्छी पोजीशन पे पहुंच रहे हो या पहुंच चुके हो आपको भी कुछ सक्सेस मिली है या मिलने वाली है आपको कॉन्फिडेंस रिन्यूड कॉन्फिडेंस देखकर आपके अंदर का वो चेंज बदलाव देखकर लोगों को लोग अचंभित रह गए हैं लोगों को ऐसा लग रहा है कि वाओ ठीक है इस तरह की बातें होती हैं आप इंटेलेक्चुअल हो समझदार हो कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे हैं तो ये आपकी ये चीज़ ये बातें ये बातचीत होती है और बताएंगे हम आप इस बारे में
जी, तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की तारीफ़ होती है, आपकी इंटेलेक्ट की तारीफ़ होती है, आप किसी इंटेलेक्चुअल फील्ड से बिलोंग करते होंगे, या अगर आप टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हो तो आपके टेक्निकल नॉलेज की तारीफ़ की जाती है, और आप में से कुछ लोग हो सकते हैं आपकी इंट्यूशन बहुत शार्प है, आप टैरो रीडर हो, साइकिक हो, या एस्ट्रोलॉजी में हो, या हीलर हो, ये सब आपकी स्किल्स हो सकते हैं, या आपने अगर चैनलाइज नहीं किया है तो इस तरह के गिफ्ट्स लोगों को पता चलते हैं कि आप उनके बोलने से पहले ही उनकी बातें कंप्लीट कर देते हो, या आपको पता होता है कि सामने वाला क्या कहने वाला है, कितने पानी में है आपको पता होता है। आप within 8 months I am getting, ये जनरल रीडिंग है, याद रखिए कि within 8 months आप में से कुछ लोग को एक पावरफुल पोजीशन मिलने वाली है समाज में, अपने करियर में, कुछ लोगों की हो सकता है शादी भी हो सकती है within 8 months। तो आपका कोई एक्स है, हो सकता, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपके कोई पर्सन है, फ्रेंड है, या कोई कोलीग है, या कोई कोवर्कर है, कोई लवर है, वो आपको कांटेक्ट करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपकी आज शादी उनसे होगी, ठीक है, वो आपके साथ नई शुरुआत चाहेंगे, उनको आपकी पावर का एहसास हो चुका है। मुझे ये ज़रूरी लगा मैसेज बताना, मुझे ऐसा लगा शायद किसी को ज़रूरत हो सुनने की, तो मैं इसलिए बता रही हूँ। तो ये था पाइल वन के लिए कि हाउ वुड दे डिस्क्राइब यू। अब मैं चैनल्ड वर्ड्स बताऊँगी आपको डिस्क्राइब करने के लिए, पर्सन, लोग आपको कैसे डिस्क्राइब करेंगे। दे वुड डिस्क्राइब यू एज लविंग, ब्यूटिफुल, वाइज, इंटेलिजेंट। लविंग, ब्यूटिफुल, वाइज, इंटेलिजेंट, दिस इज हाउ आपको इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे लोग। और अगर आप मेल देख रहे हैं तो यू कैन स्विच एनर्जीज, दे वुड डिस्क्राइब यू एज हैंडसम, ठीक है। तो ये थी पाइल वन की रीडिंग, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड जिन्होंने सब्सक्राइब किया है थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एन अपडेट, ओके। तो चलिए नाउ विल मूव ऑन टू पाइल नंबर टू। पाइल नंबर टू, मोस्ट वेलकम टू दिस रीडिंग पाइल टू। चलिए अब हम देखते हैं कि पाइल टू के लिए काफ़ी कार्ड्स आए हैं, पाइल वन से ज़्यादा कार्ड्स पाइल टू के लिए आए हैं। हमारे पास है थ्री ऑफ वांड्स, लेट मी एडजस्ट द कैमरा अ बिट, वेट, या आई होप यू गाइस कैन सी, ओके, देन वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, इन कार्ड्स को हम साइड पे रख देते हैं। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, आप एरीज लियो, आप एरीज लियो सैजिटेरियस या जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हो। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड देन वी हैव द मैजिशियन, द वर्ल्ड, एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे लिब्रा मुझे बहुत डोमिनेंट लग रहा है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ठीक है, टॉरस, स्कॉर्पियो, लियो, एरीज, वर्गो, ओके, एंड एरीज लियो सैजिटेरियस बहुत डोमिनेंट है, ठीक है। तो ये आपके ज़ोडिक साइंस है, अगर ये आपके ज़ोडिक साइंस नहीं भी हैं तो भी कोई इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप बहुत ही इमोशनल हैं, आप इमोशनल हैं, आप अपनी ज़िंदगी के फैसले दिल से सोच के करते हैं, आप में लीडरशिप स्किल्स हैं, ठीक है, यू हैव लीडरशिप स्किल्स, ठीक है, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं अपनी सक्सेस को हासिल करने के लिए। आप जिस ड्रीम जॉब, ड्रीम पोजीशन को चाहते हैं, जो सक्सेस, जो सपने आपके हैं उनको अचीव करने के, उनको सफलता पाने के आपके पास पूरे रिसोर्सेज हैं, ठीक है। अगर आपको एहसास नहीं है इस बात का तो आने वाला समय आपको इस बात का एहसास दिलाएगा। आपकी कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रही है, ठीक है, तो कार्मिक साइकिल कंप्लीट होते ही आपको लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस दिखने शुरू होंगे, जो काम नहीं बन रहे थे वो बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और आ, आ,
जी तो एक चीज़ ये हो गई, दूसरा आप सेल्फ मेड हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सेल्फ मेड हैं, आप बिजनेसमैन हो सकते हैं, बिजनेस वुमेन हो सकते हैं, या आप जो काम करते हैं पूरी शिद्दत के साथ करते हैं, डेडिकेशन के साथ करते हैं, आप क्रिएटिव हैं, ठीक है, पैशनेट हैं अपने काम को लेके, और आप चीज़ आप इम्पल्सिव, देखिए आपने ना नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, जो इम्पेशेंट और इम्पल्सिव एनर्जी होती है, उससे आपने किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में ट्रैवल करना सीखा है। मतलब ये होती है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स से, आपने नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जो होता है बहुत इम्पेशेंट होता है, इम्पल्सिव होता है, वहाँ से आपने किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की तरफ पहुँचना सीखा है। मतलब किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्या होता है, वो बहुत ही उसमें पेशेंस होता है, उसमें धैर्य होता है, उसमें संयम होता है, उसमें एक सक्सेस होती है। नाइट जो है अभी सक्सेस की तरफ जा रहा है और किंग जो है वो सक्सेसफुल है, ठीक है, तो ये आपकी जर्नी है, ठीक है। और बस एक ही चीज़ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की अच्छी नहीं होती है, वो है उसकी ईगो, उसकी प्राइड, और कि वो जो है एक्शन लेने में थोड़ी देरी करता है, वो प्लानिंग तो बहुत करता है लेकिन एक्शन लेने में देरी करता है। तो ये आपके ट्रेट्स हो सकते हैं कि आप प्लानिंग बहुत करते हैं लेकिन एक्शन लेने में इतना, मतलब प्रोक्रास्टिनेशन इन अदर वर्ड्स हो सकता है, और चीज़ों को टाल मटोल करना। फिर हमारे पास है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, आप में से कुछ लोग हो सकता है कि शो ऑफ हो, या आप इस एनर्जी में थे पहले कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना, थोड़ा आलसी होना, ठीक है, लेकिन वैसे आप यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हैं, या आपकी पहले की एनर्जी में बता रही हूँ कि आप पहले थोड़े इररिस्पॉन्सिबल थे, या थोड़ा थोड़ा शो ऑफ वाली क्वालिटीज़ आप में हैं, ठीक है, और क्यों ना हो, क्योंकि आप में वो ट्रेड्स हैं, आप में वो खूबियाँ हैं शो ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो आपका हो सकता है किसी से हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है, आप उससे उबर रहे हैं, और आप अगर मैं कार्ड्स देखूं तो कार्ड्स के हिसाब से विद इन 3 to 7 months आप इस हार्ट ब्रेक से बाहर आ जाओगे, लेकिन ये जनरल रीडिंग है, याद रखिएगा, हज़ारों लोग देखते हैं, तो ये जनरल प्रेडिक्शन है, ठीक है। आप सेल्फ मेड हो, आप में पेशेंस है, टॉलरेंस है, आपने बहुत बर्दाश्त किया है लाइफ में, बहुत स्ट्रगल देखी है आपने लाइफ में, आपने आपको पता है कि आपको लोग आपके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं लेकिन आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते हो, ये चीज़ आपको अच्छे से पता है, तो आप अपनी बैकबोन खुद हो, ठीक है। और चलिए ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और अगर आपको अच्छी लगी है, रेजोनेट करी है कोई क्वालिटी, कोई ट्रेड, तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच, यू आर ब्यूटीफुल एंजल्स ऑफ दिस किंगडम, ओके। चलिए नाउ वी विल मूव टू पाइल नंबर 3, सो पाइल नंबर 12, सी यू इन अनदर रीडिंग, टाटा, चाओ, ओके। सो अब हम बढ़ेंगे पाइल नंबर 3 की तरफ, ओके। Then we have pile number 3, most welcome to this reading, and अगर आप नए हो इस मेरे चैनल पर तो thank you so much for stopping by, and इस family का हिस्सा बन जाइए, most welcome to be part of this divine vision RD kingdom, ये आपका kingdom है, okay। We have the emperor, we have the lovers, very attractive you are and you always have choices, we have five of swords, सारी बातें जो मन में होती हैं उनको कहना ज़रूरी नहीं है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, लेट गो करना किसी चीज़ को मुश्किल होता है आपके लिए। हैंग्ड मैन, लाइफ में बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं आपने, बहुत यूनिवर्स को अब हार के सरेंडर कर दिया है आपने, अगर नहीं किया है तो ये आपकी गाइडेंस है। एस ऑफ वॉन्स, बहुत क्रिएटिव हैं आप, पैशनेट हैं, हॉट हैं, लोग आपके बारे में ये बातें करते हैं कि ये कितनी कितना या कितनी हॉट है, क्रिएटिव है, पैशनेट है, बहुत मेहनती है, बहुत जो है, आप में से कुछ लोग हो सकता है बहुत ही अच्छी पोजीशन पे हो अपने करियर की, तो सक्सेस आपने बहुत हासिल करी है, या आपके फादर का आपके ऊपर बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, आपके फादर बहुत सक्सेसफुल हैं, आपके फादर आपको अच्छी गाइडेंस देते हैं, अगर आप उनसे गाइडेंस नहीं लेते हैं तो ये आपके लिए गाइडेंस लीजिए आप उनसे, ये आपके लिए एडवाइस है। और आपके पास ये लोग ही कहते हैं, एक सेकेंड
जी, तो द लवर्स कार्ड ये बताता है कि लोगों को आपसे प्यार है, कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिनके बारे में अगर आप पूछ रहे हैं आपके माइंड में है, तो वो पर्सन आपको प्यार करते हैं, आपके प्रति बहुत अट्रैक्टिव हैं, लोगों के मन में आपके लिए बहुत अट्रैक्शन है, लोग आपको बहुत अट्रैक्टिव मानते हैं, ठीक है। आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना जानते हो, आप अपने फाइनेंसेस को ठीक तरह से खर्च करते हो। कुछ लोग हो सकते हैं ओवर स्पेंडिंग करते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप सेविंग्स कर लेते हो। कुछ लोग हो सकते हैं ये भी कहते होंगे कि ये आप मनी बहुत सोच समझ के खर्च करते हो, शायद ना करते हो कभी कभी, तो ये लोग, क्योंकि ये कार्ड माइजरलीनेस का कार्ड भी होता है, माइजर का कार्ड होता है ये, तो हो सकता है लोग ऐसा कहते हो। तो आपके फादर आपके लिए बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस साबित हुए हैं, और नहीं हुए हैं तो वो होंगे, या अगर आपके फादर हेवन में हैं, कुछ लोगों के लिए है चैनल मैसेज, तो वो आपको बताना चाह रहे हैं कि आई एम टेकिंग केयर ऑफ यू, आई एम वॉचिंग यू, आई एम सेफ इन हेवन। तो ये मैसेज था किसी उस गिने चुने उन लोगों के लिए जिनके जो ग्रैंडफादर हैं, जो फादर हैं, वो इस हेवन में हैं, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो हेवन में सेफ हैं, ठीक है, वो आपको ख्याल रख रहे हैं, और आपको ही इज़ वॉचिंग ओवर यू, आपके ऊपर वो देखते रहते हैं कि आप ठीक हो कि नहीं, ठीक है। और ख्याल कैसे रखते हैं मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको सिंक्रोनिसिटीज दिखती होंगी, नंबर्स दिखते होंगे, आप जब टेंशन में होते होंगे, अगर आपको वाइट फेदर्स दिखते हैं, आपको कॉइन्स दिखते हैं, आपको कोई बटरफ्लाई पर्टिकुलर, कुछ आपको कुछ बर्ड्स बटरफ्लाई कुछ ऐसा दिख रहा है जो रेयरली दिखता हो, या आउट ऑफ द ब्लू दिख जाए, कुछ भी अनयूजुअल होता है, आपको सडनली ठंड में भी आपको गर्मी फील हो रही है, या आपको गर्मी में ठंड फील हो रही है, ठीक है, अचानक से, और आपको कुछ लग रहा है कि जैसे किसी ने आपको अभी आवाज़ लगाई हो, और ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, अचानक लाइट का फ्लिकर होना, ठीक है, जब लाइट बंद बुझ होना, मतलब सॉरी बंद होना और जलना, ये सारे साइंस होते हैं, और कुछ सॉन्ग बार बार आना, कोई ऐड आना, कोई वर्ड बार बार दिखना, ये सारे साइंस होते हैं, या उनका कुछ पर्टिकुलर, ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल की बात है जो मैं आप बताने जा रही हूँ, परफ्यूम, उनके परफ्यूम या उनकी किसी चीज़ उसकी खुशबू आना, ये नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। तो ये साइंस होते हैं जो आपको बताना चाह रहे हैं कि वो ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ यू इन अननोन वेज, ठीक है। तो आप लोगों ने बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं, आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत हॉट हैं, और लोगों को आपके ऊपर क्रश है, आप सैक्रिफाइसेस करे हैं, आपने आप लीडरशिप पोजीशन पे हैं, हो सकता है आपको प्रमोशन मिलेगा, या सैलरी हाइक मिलेगी, या आप लोग ये कहते हैं कि ये इतना हार्ड वर्किंग है कि इसको तो बॉस की पोजीशन पे होना चाहिए, इसको अच्छी पोजीशन पे होना चाहिए, इसकी सैलरी अच्छी होनी चाहिए, ये खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं, या लोगों ने इसको अंडर एस्टिमेट किया है, ये आप बहुत ही डिसिप्लिन स्ट्रक्चर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानने वाले हो, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी का लाने के लिए आप बहुत ध्यान रखते हो, लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए आप बहुत ध्यान रखते हो, ठीक है, आप बैठे बैठे ही सारे काम करा देते हो, ठीक है, आपको ज़्यादा भाग दौड़ ये कुछ ही लोगों के लिए है, ठीक है। तो और आप अपने ओल्ड एज में आया आने वाले, आप अपनी 40s के बाद आप बहुत ही सक्सेसफुल बनोगे अपनी लाइफ में, बहुत ही सक्सेसफुल, मतलब पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, सब होगा आपके पास, ये जनरल रीडिंग है, याद रखिए, तो बहुत हज़ारों लोग देखते हैं, बट आई विश ऐसा हो आपके साथ, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग, हाउ वुड दे डिस्क्राइब यू, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और आपने सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, ओके, और आई विश यू ऑल टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ ड्यूरिंग दिस कोविड सिचुएशन। मुझे बताइए कि हाउ आर यू स्पेंडिंग योर टाइम, एंड अगर आपको मेरे ब्लॉग का लिंक चाहिए कि आप इस सोशल डिस्टेंसिंग के टाइम को अपने पर्सनल एवोल्यूशन, पर्सनल एक्सीलेंस, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं इजाज़त चाहूँगी, नमस्कार, टिल देन यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस।